हेलो स्टूडेंट दिस इज पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर वी आर स्टडिंग लॉ ऑफ एविडेंस एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन द हेयर से एविडेंस बिकम अ अरेलीवेंट और यू कैन से यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेयर स्टेटमेंट वेन दिस कैन बी डन एक्सप्लेन दोज सिचुएशन तो हे से एविडेंस को आपने यहाँ पे पढ़ना है हे से एविडेंस क्या होता है और किस सिचुएशन में कोर्ट जो है एक हेरसे एविडेंस को भी जो है रेलिवेंट जो है मानती है तो एविडेंस लॉ में हेरसे की इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे से अपने आप में क्या होता है से को अगर हम हिंदी में जाने जिसको बोलते हैं सुनी सुनाई बात जिसको हम गप बोलते हैं जिसको हम अफवाह बोलते हैं तो क्या अफवाह भी या कोई गप भी या कोई सुनी सुना बात भी क्या एक एविडेंस हो सकती है और कोर्ट ऑफ एविडेंस लॉ में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इसको हम यहाँ पर देखेंगे देखिए एविडेंस इज अ जनरली टू टाइप एविडेंस टू टाइप का होता है ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट एविडेंस अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा वहां पे आपको क्लियर होगा ऑरल एविडेंस क्या होता है जब कोई पर्सन जो है कोर्ट में खुद आके स्टेटमेंट देता है उसको हम ऑरल एविडेंस बोलते हैं औरल एविडेंस मींसविडेंस एन विच एनी पर्सन मेक स्टेटमेंट ऑरली बिफोर द कोर्ट इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेट दैट दैन दैट वैन एनी विटनेस टेस्टिफाई ऑर्ली देन इट इज कॉल्ड औरल एविडेंस जब कोई पर्सन जो है कोई विटनेस जो है वो साक्षी जो है कोर्ट में आके अपनी जो है गवाही जो है आके देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं औरल एविडेंस बोलते हैं औरल एविडेंस में भी गिवन बाय वे ऑफ वर्ड्स और इवन बाय बाई साइन अब ये औरल वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बोल के ही वहाँ पे एविडेंस देते हैं सम टाइम यू कॉन्ट स्पीक इन दैट सिचुएशन यू कैन कैन गिव यू एविडेंस विद द हेल्प ऑफ साइन ऑल्सो तो कई बार जो आप बोल नहीं पाते हैं तो जब आप साइन से इशारे से Uh, किसी uh, किसी के uh, बारे में कोई एविडेंस दे रहे हैं तो उसको भी हम क्या मानेंगे औरल एविडेंस ही मानेंगे सच एविडेंस विल बी कंसिडर्ड औरल एविडेंस एलिस्ट्रेशन आपके पास है द थ्रोट ऑफ अ वूमन वॉज सो स्ट्रॉक्ट दैट शी कैन नॉट स्पीक एक वुमेन का जो गला है इतना खराब हो चुका है इतना इंजर्ड हो चुका है कि वो बोल नहीं सकती है शी आइडेंटिफाइड दिलेंट बाय वे ऑफ साइन उसने जिसने उस पर अटैक किया था उसने उसको आइडेंटिफाई किया उसको पहचाना विद द हेल्प ऑफ साइन इशारा करके दिस वॉज कंसिडर्ड एज ऑरल एविडेंस ये क्या माना जाएगा औरल एविडेंस यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि ऑरल एविडेंस का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप बोल के ही कोई एविडेंस कोर्ट में देते हो आप अनदर वे से साइन से भी जो है आ, अगर कोई एविडेंस देते हैं तो उसको हम औरल एविडेंस ही मानेंगे देखिए औरल एविडेंस मस्ट भी डायरेक्ट औरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है जिसको डायरेक्टली कोर्ट में प्रूव किया जाता है उसको हमने देखा है तो ऑरल एविडेंस हमेशा क्या होता है डायरेक्ट ही होता है आपने पहले ये पढ़ चुके हैं इट इंपोर्टेंट दैट द ऑरल एविडेंस शुड भी डायरेक्ट Under the Section 60 of the Indian Evidence Act 1872, it has been stated that the oral evidence must all cases whenever be direct. बी तो सभी केसेस में जो एविडेंस होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए और एविडेंस डायरेक्ट कब होता है यहाँ पे बता रखा है औरल एविडेंस कब डायरेक्ट होगा ये बता रखा है इट रेफर टू द फैक्ट दैट कुड बी सीन इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ द विटनेस हु से अगर ये किसी ऐसे तथ्य से रिलेटेड है कि मैंने कुछ देखा है तो जो विटनेस आके जो गवाही देगा वो बोला कि हाँ मैंने ही उसको देखा है तो अगर कुछ चीज देखी हो सकती है तो जो विटनेस आके दे रहा वो कि हाँ जी मैंने वो चीज देखी है तो आप डायरेक्टली जो है उस चीज को देख रहे हैं इट रेफर टू द हर्ड अगर आपने कुछ सुना है तो जो कोर्ट में आके गवाही दे रहा है एविडेंस ऑफ द विंडस हु सेज ही हर्ड तो वही एविडेंस देगा जो जिसने जो है उसको जो है वहां पे सुना है इसी तरीके से अगर विच कुड बी प्रसीव बाय एनी सेंसेस अगर आपने अपनी सेंसेस से उसको प्रसिवड किया है महसूस किया है तो वही पर्सन आके गवाही देगा जिसने सच में उसको जो है महसूस किया है उसको प्रिसीव्ड किया है या फिर आपके पास इट रेफर टू द अगर किसी की ओपिनियन है वहां पे तो वही अपनी ओपिनियन जो है कोर्ट में वहां पे बताएगा ये जो है आपके क्या होते हैं एविडेंस एविडेंस होते हैं। डायरेक्ट कब होता है? जब आपने खुद उस फैक्ट को होते हुए देखा, जब आपने खुद उसको सुना या फिर आपने अपने सुख से अपने से डायरेक्ट बिफोर कोर्ट एज विटनेस दैट बी सीन रनिंग टू वर्ड द फॉरेस्ट आफ्टर कमिटिंग डायरेक्ट uh, एविडेंस तो ए जो है कोर्ट में आके ये टेस्टिफाई करता है गवाही देता है आ, कि उसने बी को जो है जंगल की तरफ भागते हुए देखा था आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट चोरी करने के बाद ये एक डायरेक्ट एविडेंस है कि उसने खुद उसको देखा सिमिलरली ए टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट ए जो है कोर्ट में आके गवाही देता है दैट ही हर्ड बी अब्यूजिंग सी कि उसने बी आ, बी को देखा था कि वो सी को गालियाँ निकाल रहा है ये भी एक डायरेक्ट एविडेंस है उसने खुद सुना उसको ए एन एक्स एक्साइज इंस्पेक्टर टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट ए जो है एक्साइज इंस्पेक्टर है और वो कोर्ट में आके एज़ ए साक्षी एज ए विटनेस गवाही देता है कि उसने जो है महसूस किया था उस अफ़ीम की स्मेल को उस और उसको टेस्ट करके तो ये क्या है एविडेंस है क्योंकि आप बड़ी सारी चीज़ें जो है परसीव करते हैं कहीं से धुआं निकल रहा है तो आप परसीव करेंगे कि वहाँ पर आग हो सकती है अगर आपने किसी किसी वहाँ पर अफीम को सूंघा या उसको टेस्ट किया तो आप परसीव कर सकते हैं कि ये अफीम ही है तो अगर आपने किसी चीज़ को खुद देखा है सुना है या उसको प्रसीव किया है और कोर्ट में आके आप जो है जब गवाही देते हैं उस चीज़ के बारे में तो वो आपका डायरेक्ट एविडेंस जो है माना जाता है अब हेयर से एविडेंस क्या होता है हेयर से एविडेंस आल्सो एक औरल एविडेंस होता है जिसकी सम हाउ एविडेंस लॉ में इम्पोर्टेंस नहीं होती है बट सम टाइम इट बिकम रेलिवेंट कई बार ये रेलिवेंट बन भी जाता है अनदर फॉर्म ऑफ औरल एविडेंस हेर से एविडेंस वैन द औरल एविडेंस नॉट डायरेक्ट इट बिकम द हेयर से एविडेंस तो ऑरल एविडेंस आपने पढ़ लिया है सारा क्योंकि ऑरल एविडेंस को समझना जरूरी था बिफोर अंडरस्टैंडिंग द हेयर से एविडेंस तो ओरल एविडेंस से पढ़ा जब आप उसको खुद उस चीज़ को खुद देख रहे हो खुद महसूस कर रहे हो खुद आपने उसको सुना है लेकिन जब आप ना उस चीज को देख रहे हो ना सुन रहे हो आपने उसके बारे में जानकारी किसी और से ली है तो वही एविडेंस क्या बन जाता है हेयर से एविडेंस बनता बन जाता है जब सीधी सी बात यहाँ पेल एविडेंस इज नॉट डायरेक्ट जब आपका एविडेंस डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि आपने ना तो उसको खुद देखा है ना महसूस किया है ना सुना है तो आपका वो एविडेंस डायरेक्ट नहीं है वो क्या है आपका हेयर से एविडेंस है आप एक सुनी सुनाई बात पे कोर्ट में आके बता रहा हो कि एन हाँ जी मैंने जो है ये बी से सुना था कि सी ने जो है डी को मारा है इस तरीके से आप एक सुने सुनाई बात जो है कोड बता रहे हो उसको हम क्या मानेंगे हेयर से एविडेंस मानेंगे तो अब ओरल एविडेंस का बिल्कुल उल्टा अगर आपके पास है तो वो क्या बन जाता है हेयर एविडेंस बन जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हेयर से एविडेंस इनडायरेक्ट होता है और ऑरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होता है तो जब ओरल एविडेंस जो है इनडायरेक्ट होगा तो ना तो उसने उसको देखा होगा ना उसको हेयर किया होगा ना उसको परसीव किया होगा और ये क्या बन जाता है हेयर से एविडेंस बन जाता है A A says that that he had received information that at the the time of accident the vehicle was being driven by B. तो जो है A यहां पे बोल रहा है कि मुझे किसी कहीं कही से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो तो बी ही गाड़ी चला रहा था इट इज evidence क्योंकि उसने खुद नहीं देखा उसने किसी से information ली है ए हैज नॉट हिमसेल्फ सीन बी ड्राइविंग द व्हीकल ना ही ए ने बी को जो है उस व्हीकल को चलाते हुए देखा तो दैट इज कॉल्ड अस एविडेंस अ सिमिलरली वेअर एनी पर्सन वांट टू डिस्क्राइब एनीथिंग व्हिच ही हिमसेल्फ हैज नॉट सीन हैपनिंग ओनली हर्ड फ्रॉम द अदर्स अगर कोर्ट कुछ चीज जो है आ, कोई पर्सन जो है कुछ डिस्क्राइब करना चाहता है वो कोर्ट को कुछ बताना चाहता है लेकिन उसने जो वो बताना चाहता है वो उसने किसी और से सुना हुआ है तो वो एक हेर से एविडेंस होगा जुगल किशोर वर्षी नारायण चंद्रा ए 1982 कोलकाता हाई हाईकोर्ट ने यह बोला

अब आपके पास वो सिचुएशन आती है जहाँ पे हेयर से एविडेंस जो है कोर्ट में एडमिसिबल सम टाइम हो जाता है हालांकि वो उसकी रेलिवेंसी नहीं होती है लेकिन सम टाइम वो रेलिवेंट जो है बन जाता है जनरल रूल आपके पास यही है कि हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल हेयर से एविडेंस कभी भी कोर्ट जो है एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट कभी उसको एडमिट नहीं करती है बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्ट एंड बेस्ट एविडेंस क्योंकि ना तो ये डायरेक्ट होता है ना ये बेस्ट एविडेंस होता है कोर्ट हेल्ड सच एविडेंस टू बी वीक एंड लेस रिलायबल कोर्ट इसको हमेशा एक वीक एविडेंस और कम भरोसेमंद इसको मानती है कोर्ट जनरली ट्राई टू एक्सक्लूड सच एविडेंस कोर्ट जो है ऐसे एविडेंस uh, को जो है जनरली एक्सक्लूड कर देती है बाहर कर देती है लेकिन इसके क्या है एक्सेप्शन भी है एक्सेप्शन है इट मीन्स एविडेंस को भी सम टाइम कोर्ट जो है एडमिट करती है वो सिचुएशन कौन सी है रेस्ट रेस्टेस्टे सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स आपने पढ़ा रेस्ट जेस्टे में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है आ, किसी दूसरे पर्सन के बारे में तो अगर वो सेम ट्रांजेक्शन में सारी चीज़ें हो रही हैं तो उन सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर कोई सुनी सुनाई बात कोई बता रहा है तो एक वो एविडेंस एक्सेप्ट किया जाता है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्ट जस्टिस जो है आ, पहले पढ़ चुके हैं और रेस्ट जस्टिस में क्या होता है जब सारी चीज़ें एक ही ट्रांजेक्शन में हो रही हैं तो उस ट्रांजेक्शन उस क्राइम के होने से पहले होने के दौरान और होने के बाद भी जो चीज़ें हो रही हैं वो हाउ रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं और वहीं से अगर कोई हेयर से एविडेंस निकलता है तो कोर्ट उसको रिलाई करती है जैसे एक एग्जांपल था वहाँ पे कि एक आ, जो है आ, एक ट्रक जो था बड़ी तेजी से जा रहा था एक बी पर्सन ने उसको देखा था उसके बाद उस ट्रक का एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है वो पीछे से आ रहा था वो पेडिस्टेरियन था धीरे धीरे चल रहा था और जब उस ट्रक के पास पहुंचा जिसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन उस ट्रक के ड्राइवर से ली तो अब इससे रिलेटेड वो अगर स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा है तो वो एक जो है हे से एविडेंस तो है क्योंकि यहाँ पे उसने खुद एक्सीडेंट होते हुए देखा लेकिन उसने उस ड्र, ड्र, ट्रक के ड्राइवर से कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली और उसके बेसिस में कोर्ट में कोई गवाही वहां पे दे रहा है तो कोर्ट इसको एडमिट कर सकती है क्योंकि ये सारी जो है सेम ट्रांजेक्शन में सारी चीजें फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन दस दो स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दे कैन बी प्रूव्ड तो एक ही ट्रांजेक्शन में वो सारी चीजें हो रही है तो इनको प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हेयर से एविडेंस यही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है दूसरा एडमिशन एंड कन्फेशन एडमिशन और कन्फेशन भी आप पढ़ चुके हो और एडमिशन और कन्फेशन के केसेस में भी हेर से एविडेंस जो है रेलिवेंट हो सकता है आपने पढ़ा कि जो एडमिशन होता है या फिर जो कन्फेशन होता है वो एक्स्ट्रा जुडिशल भी हो सकता है कोर्ट के बाहर भी हो सकता है तो कोर्ट के बाहर अगर मैं किसी चीज़ को कोई बात जो है वो किसी दूसरे पर्सन को बता रहा हूँ तो मेरी जो बात जो दूसरे पर्सन को मैं बता रहा हूँ वो फिर वो दूसरा पर्सन कोर्ट में आके जो है उसके बारे में बताता कि हाँ जी ए ने मुझे ऐसा बताया था तो ये अपने आप में एक ही से एविडेंस तो है लेकिन क्योंकि उसने उसको उस क्राइम को खुद होते हुए नहीं देखा लेकिन उसने उससे सुना है

तो सेक्शन थर्टी टू डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है इसको भी आप पढ़ चुके हो और वहां पे सेक्शन थर्टी टू प्रोवाइड ऑफ द सच पर्सन शैल बी एडमिटेड ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट जो है वो एडमिट की जा सकती है हु हैज डाइड हु कैनॉट बी फाउंड जो मर चुका है जो कभी अभी मिल नहीं रहा है या फिर जो इनकॉम्पिटेंट है कोर्ट में एविडेंस uh, देने के लिए या जिसकी अटेंडेंस कोर्ट में जो है नहीं की जा सकती है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस और रीजन ऐसे पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है तो डाइंग डिक्लेशन में क्या होता था कि वहाँ पे मरने से पहले कोई पर्सन कोई चीज़ बोल के जाता है और वो चीज़ अगर वो मुझे बोल के गया है तो अब ये चीज़ मैं कोर्ट में बता रहा था कि ए पर्सन मरने से पहले मुझे ये बता के गया था तो है तो ये हेर से एविडेंस लेकिन इसको जो है डाइंग डिक्लेरेशन में जो है एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाता है और ये एक हेयर से एविडेंस है लेकिन फिर भी इसकी रेलिवेंसी वहाँ पे बन जाती है द स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन मे बी कन्वे टू कोर्ट बाय हु हैव हर्ड और अदरवाइज परसीव्ड सच स्टेटमेंट तो उस पर्सन की स्टेटमेंट जिसकी डेथ हो चुकी है अब क्वेश्चन उसकी डेथ से रिलेटेड है कोर्ट में और उस जिसकी डेथ हो चुकी है अगर मरने से पहले किसी पर्सन को कुछ बता के गया है तो अपने आप में वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी हालांकि ये सुनी सुनाई बात है लेकिन फिर भी जो है ये कोर्ट में एक रेलिवेंट फैक्ट वहां पे बन जाता है और इस तरीके से हेयर से एविडेंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है सिमिलरली सेक्शन थर्टी थ्री थ्री द विटनेस इज रेलिवेंट इन द दब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के बाद में जो प्रोसीडिंग चलती है इफ अ विटनेस अगर मर चुका है वो जो है आ, मिल नहीं रहा है या वो इनकेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या उसकी प्रेजेंस जो है कोर्ट में नहीं हो सकती है तो इस कंडीशन में सब्सिक्ड प्रोसीडिंग में जो पहले वो बात उस केस में जो वो उस केस के दौरान जो पहले वो बात बोल गया और उसके बाद वो गुम हो गया मर गया तो उसकी उस बात को जो है कोर्ट में एडमिशन किया जा सकता है हालांकि वो एक हेयर से एविडेंस है सुनी सुनाई बात है लेकिन कोर्ट उस पर जो है कर सकती है इसके अलावा आपके पास जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट तो तीन तो आपके पास रेस्ट जस्टे और दूसरा आपके पास यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन और एक आपके पास यहाँ पे एडमिशन इन तीनों केसेस में हेर से एविडेंस की जो है रेलिवेंसी होती है कोर्ट इसको कई बार एडमिट कर लेती है स्टेटमेंट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो बात बोली गई है लिखी गई है वो हमेशा जो है सभी कोर्ट्स मानती है हालांकि वो सुनी सुनाई बात भी हो सकती है लॉर्ड एलन ब्रोक का केस है पब्लिक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर बीइंग अपॉन एवरी सब्जेक्ट अब जो पब्लिक एक्ट होता है कानून जो होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो स, उस एरिया में रहने वाले उस देश के सभी लोगों पर अप्लाई होता है सारे लोग जो है उसके सब्जेक्ट होते हैं कोई भी जजमेंट होगी कोई भी जो है एक्ट uh, होगा वो जो है सभी पे लिए एप्लीकेबल होगा रिपोर्ट गिवन इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ सॉवरन गवर्नमेंट इज एन एविडेंस एविडेंस ऑफ द सो दे आर इन अगर कोई रिपोर्ट जो है सॉवरन ने दी है कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोई और आपको बता रहा है तो वो अपने आप में हमेशा एडमिसेबल ही होगा देखिए यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट रिटन इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट मे बी इवन विदाउट प्रेजेंटिंग पर्सन हु हैव रिटन पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी और ने लिखा लेकिन उसकी जानकारी कोई और दे रहा है तो क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हमेशा जो है सभी पे लागू होता है तो लिखने वाला तो कोई और था लेकिन उसकी जानकारी अब कोई और दे रहा है पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे जितने लॉ बनते हैं रूल बनते हैं जितनी जजमेंट होती है ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है देने वाला तो कोई और था जजमेंट लेकिन उसकी बात को आज जो है यहाँ पे बोला जा रहा है तो वो अपने आप में एक हेर से एविडेंस तो है लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट कभी भी हेर से एविडेंस नहीं होता ये हमेशा एक्सेप्टेबल होता है तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे में पे पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई बात लिख रखी है आ, कोई बोल के गया है जो उसको प्रेजेंट करने लिखने वाला तो कोई और है लेकिन उसको प्रेजेंट करने वाला आज कोई और है तो वो एक हेर से एविडेंस नहीं माना जाएगा वो हमेशा जो है एक रेलिवेंट एविडेंस वहाँ पे माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड द कोलकाता हाई कोर्ट हैव आल्सो सेम यू the rule regarding the hearsay evidence cannot be uh, an obstruction to prove the public document public document ko prove karne ke liye hearsay evidence jo hai kabhi bhi obstruction nahi ban sakta it means ki hearsay evidence hamesha jo hai yahan pe accept kiya jayega kanwar lal varshi amar nath air 1975 supreme court ke cases mein ye bola gaya next आपके पास यहाँ पे statement of the expert in the treat, uh, treatise section 60 contains a provision which says that the opinion of the expert contained in the book offered for sale is admissible as evidence if the author of the book has died cannot be found out cannot be found is incapable of giving evidence his presence cannot be obtained with without unreasonable delay and expenses so yahan pe bahut important baat bol gayi ki jo expert hote hain koi expert hai किसी ने कोई बुक लिखी है और वो बुक जो है सेल के लिए ऑफर की जाती है तो उसमें लिखी हुई बातें जो है एविडेंस हो सकती हैं अगर उस बुक का जो ऑथर है उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब जो है गायब हो चुका है वो मिल नहीं रहा है या वो एविडेंस नहीं दे सकता है या फिर जो है उसकी जो प्रेजेंस जो है वो डिले नहीं की जा सकती डिले हो रहा है उसकी प्रेजेंस का तो उस कंडीशन में ये जो वो एक्सपर्ट है उसकी जो ओपिनियन जो है वो अपने आप में एक एविडेंस का काम करती है हम उसको हेयर से एविडेंस नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये कब होता है जब वो जो स्टेटमेंट देने वाला है खत्म हो गया है उसकी डेथ हो गई है या तो डेथ हो गई है या वो अब मिल नहीं रहा है तो उसके द्वारा दी गई हुई स्टेटमेंट जो होगी वो एक हेयर से एविडेंस का काम नहीं करेंगी वो एक इम्पोर्टेंट एविडेंस का काम वहाँ पे करेंगी तो ये आपके पास कुछ रीजन है जहाँ पे एक डायरेक्ट एविडेंस ही कोर्ट हमेशा एक्सेप्ट करती है बाय द वे औरल एविडेंस बट सम टाइम जो है हालांकि एविडेंस जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है ऑरल नहीं होता है जिसको हेयर से एविडेंस जाता है और ना ही उस हेयर से एविडेंस में किसी पर्सन ने उस फैक्ट को होते हुए देखा है सुना है या महसूस किया है अदर उसके बावजूद भी है इस एविडेंस को बड़ी सारी सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लिया जाता है थैंक यू सो मच